खरगोन शहर के जेतापुर वार्ड क्रमांक 8 में परसाई कॉलोनी में स्थानीय बिजली कनेक्शन देने की मांग को लेकर महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई के दौरान ज्ञापन सौंपा। महिला ने बताया कि कॉलोनी के घरों के पास बिजली के पोल लगे हुए और हमें कनेक्शन अस्थायी रूप से 200 मीटर दूर से दिए गए, जिसे बिजली के बिल 2000 से 2500 रुपये आ रहे हैं। महिलाओं ने मांग की है कि स्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाएं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बार बार यही बोलते कि अवैध है, अवैध है, सब कॉलोनी में हुई है सर, हमारी एक ही गली में केवल अवैध बताते हैं। अभी आप किस समस्या को लेकर? यही समस्या लाइट कनेक्शन के लिए है, इस तरह कनेक्शन के लिए है लाइट के लिए। कहाँ की समस्या है, कौन सी कॉलोनी की? बजरंग नगर की, परसाई के साइड से, फर्स्ट नंबर वाली गली। क्या क्या कहना पड़ रहा है? उनका कहना पड़ रहा है कि अभी सर के पास जाओ आप, सर बोलेंगे अगर तुम्हारा उसमें कार्रवाई में आता है तो करेंगे, अगर आता तो नहीं होगा। बिजली के पोल लग गए आपके? हाँ लग गए ना, स्ट्रीट लाइट भी चालू हो गई, स्ट्रीट लाइट भी चालू हो गई, पोल भी लग गए, एक पोल नहीं लगाया, कनेक्शन नहीं दे रहे सर, पोल कनेक्शन नहीं दे रहे, कनेक्शन दे रहे तो सर बिल तो बहुत आता होगा। बिल आता है 2500, 3000, किसी का 4000 ऐसा आता है। सरकार का नियम आया कि 100 रुपये में बिजली दी जाएगी, ऐसा कुछ नियम है? तो मतलब केवल वो गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए नहीं है, मजदूर लोगों के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए जो कर्मचारी उनके लिए है कि उनका 95 और 80 रुपये बिल आ रहा है और हमारे 3000 और 2500। MPP में आपने जाके बात करी? 10 बार दे चुके हैं सर, MPP में भी, नगर पालिका में भी, सब दूर दे चुके हैं। क्या कहना पड़ता है लोगों? उनका कहना पड़ता है हो जाएगा, बस ये बोलते हैं और कहते हैं कि अवैध में आता है तो सर पूरी बजरंग नगर में हो गया और हमारी केवल एक ही गली में अवैध हो रहा है। सामने वाली गली में भी स्थायी कनेक्शन है उनके, 8-10 घर है उसके लिए। कहाँ के निवासी? बजरंग नगर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।